अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, मेरा नाम गुलाम हुसैन है और पीएमएस ऑफिसर हूँ। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि सर आप एएसएफ में बतौर इंस्पेक्टर रहे हैं तो आपने अभी तक उसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो आज हमारी जो वीडियो है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर्स के ऊपर है। उसकी सैलरी क्या होती है, उसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, उसकी रिहाइश कैसे मिलती है, यूनिफॉर्म किस तरह की होती है, करियर प्रोग्रेशन कैसी है और ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बताना चलूँ कि अभी रिसेंटली ओनली 10 पोस्ट्स अनाउंस हुई हैं, एफपीएससी ने अनाउंस की हैं, जिसकी लास्ट डेट 19 दिसंबर है। वो 10 पोस्ट पंजाब के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब में सिर्फ एक सीट है माइनॉरिटीज की और इसी तरह एक सीट सिंध रूरल की है, एक सिंध अर्बन की है। बलूचिस्तान की 4 सीटें हैं, इसी तरह एक्स फाटा उसकी एक सीट है और जीबी की भी एक सीट है। तो टोटल 10 सीटें हैं और इसका जो अहलियत का मयार है वो ये है कि आप बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 14 इयर्स किसी भी सब्जेक्ट में और फिजिकली जो है ना आपको फिट होना चाहिए। हाइट जो है वो 5'6" मेल के लिए है और 5'4" फीमेल के लिए है और इसी तरह मेल के लिए 32.5 जो है वो चेस्ट होती है, इनहेल एक्सहेल में वो 2 इंच का फर्क पड़ता है, वो होना चाहिए। और इस तरह वेट भी है 48 kg जो है ना वो वेट होना चाहिए। और एज का जो क्राइटेरिया वो है कि 28 इयर्स इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है, लेकिन 5 इयर्स का जनरल एज रिलैक्सेशन देकर इसको 33 इयर्स तक किया जाता है, ठीक है। और 33 इयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर किस तरह का होता है जी, वन पेपर एमसीक्यूज होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर मेडिकल होता है। मेडिकल तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो आपको अप्लाई करने से पहले ही करवाना पड़ता है, उसकी स्लिप साथ आपको अटैच करनी पड़ती है। और अब ऑनलाइन अप्लाई जो लोग करना चाहते हैं वो कर लें, एफपीएससी की वेबसाइट पर 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ये पोस्ट 16 ग्रेड की है और day 1 से परमानेंट होती है। आर्मी एक्ट जो है उसके 1952 का, उसके अंडर आती है, सिविल एविएशन डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, उसके तहत ये काम करती है। और इसमें क्या सहूलतें होती हैं, सैलरी कितनी होती है, आज जो एक इंस्पेक्टर है वो 54,000 सैलरी ले रहा है, जिसमें 6,000 राशन का डालकर और बाकी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, हाउसिंग वगैरह वो सारा कुछ। जहां पे आपकी रिहायश होती है कैंप्स में, छोटे एयरपोर्ट्स पर, बड़े एयरपोर्ट्स पर आपकी रिहायश वो आपको अच्छी देते हैं, रिहायश होती है। ऑफिसर्स मेस होता है जिसकी पेमेंट आप खुद करते हैं अपनी सैलरी से। इसके अलावा साल में 4 यूनिफॉर्म मिलती हैं, 2 ग्रे कलर की और 2 कैमोफ्लेज कलर की जो होती है यूनिफॉर्म्स वो आपको मिलती है। आपको एक बेहतरीन सा कार्ड बना के दिया जाता है, सिक्योरिटी कार्ड। आप अगर छोटे एयरपोर्ट पर अपॉइंटेड हैं तो आप बतौर सेक्टर कमांडर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, अगर बड़े एयरपोर्ट पे हैं तो आप काउंटर कमांडर या दूसरे जो शोभाजात होते हैं उनमें काम कर रहे होते हैं। ये एक मिलिट्री टाइप की नौकरी है, इसका जो ड्यूटी रोस्टर है वो बड़ा एक ऑकवर्ड किस्म का होता है इसमें, इसलिए इस जॉब में ड्रॉप आउट रेट भी ज्यादा है। अब बात बिल्कुल भी ये नहीं है कि इसमें जो है ना लोग जो ज्वाइन करते हैं छोड़ जाते हैं। मैंने 2009 में ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद मैंने कोई 1 माह के बाद छोड़ दिया था। बहुत सारे मेरे दोस्त छोड़ गए, बहुत सारे कर भी रहे हैं। तो नौकरी के लिए तो बहुत बेहतरीन नौकरी है, जबरदस्त नौकरी है, इसमें आप इसको ज्वाइन करें। और जिनको यूनिफॉर्म बेल्ट नौकरी का शौक है वो इसको ज्वाइन करते हैं और इससे फायदा उठाते हैं। इसकी जो करियर प्रोग्रेशन है वो ये है कि पहले हमारे दौर में तो ये होता था कि इंस्पेक्टर से डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर होता था, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर होता था। तो अब वो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर खत्म हो गया, अब आप इंस्पेक्टर से डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं, फिर डिप्टी डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर। तो डायरेक्टर 19 ग्रेड की पोस्ट होती है। अगर आप इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं और आपकी एज काफी है, आगे पड़ी है, सर्विस पड़ी है, तो आप 19 तक चले जाते हैं, डायरेक्टर तक चले जाते हैं। तो जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं तो आपको फिर फैमिली रिहायश भी मिल जाती है, डिप्टी डायरेक्टर जब होते हैं तो आपको फैमिली रिहायश भी मिल जाती है एयरपोर्ट्स के ऊपर। उसके साथ आपका एक रोल जो है बड़ा बढ़ जाता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप तमाम महकमों के साथ भी लायजॉन कायम कर रहे होते हैं। इसके साथ जो करियर प्रोग्रेशन का ड्यूरेशन है वो काफी लेंथी है, मतलब होती है प्रमोशंस लेकिन थोड़ी डिले करके होती है।
इसके अलावा जो बड़ी बेहतरीन बात है इसकी, एएसएफ ने अभी एक वेंचर लिया है, हाउसिंग सोसाइटी जो है उन्होंने बनानी शुरू की है। कराची में हाउसिंग सोसाइटी जो है वो डेवलपमेंट उसकी हो चुकी है और जो एएसएफ के एम्प्लॉयज हैं उनको वहां पे प्लॉट अलॉट होंगे, बहुत सारे लोग उससे फायदा भी लेंगे और बाकी शहरों में भी, जाहिर है वो एक शहर में ऑपरेशनलाइज हो गया तो अब दूसरे शहरों में भी इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे और इसको जो है एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये नौकरी अच्छी नौकरी है, इसको करना चाहिए। लास्ट डेट 19 दिसंबर है 2022 और आप लोग लाजमी इस पर अप्लाई करें जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके ऊपर फुलफिल होता है। इसके बारे में किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप इनबॉक्स में मुझसे पूछिए और मैं इसका जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।